हेलो एवरीवन, अगर आपको भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि आप यूएस जाएं या कनाडा जाएं अपनी स्टडीज़ करने के लिए, देन ये वीडियो आपके लिए है। मैं इसके अंदर पांच ऐसे बहुत क्रूशियल टॉपिक्स कवर करूंगा जिसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। इस वीडियो को मैं 5 सब टॉपिक के अंदर डिवाइड करने वाला हूँ, जो कि मेरे हिसाब से आपके लिए इनफ होंगे एक क्यूमुलेटिव डिसीजन लेने के लिए कि आपको यूएस जाना चाहिए या फिर कनाडा जाना चाहिए अपनी अंडरग्रेजुएट करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए, पीएचडी करने के लिए। जो भी आप कोर्स ऑप्ट करते हैं, आप उससे रिलेटेड मैं सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। सबसे पहला मेन टॉपिक जो मेरा होने वाला है वो है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। एंड मेरा मानना है यार, एक डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब हम यूएस की बात करें तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन यूएस के अंदर एज़ कम्पेयर टू कैनेडा ज़्यादा है। वो क्यों? सबसे बड़ा उसके अंदर फैक्टर आता है यूएसडी एंड कैनेडियन डॉलर। यूएसडी को अगर आप INR में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली अमाउंट आपको ज़्यादा आएगा, एंड कैनेडियन के अंदर आप उसको INR के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कम आएगा। तो दिस इज़ वेरी व्हाट यू कैन से फॉर विच यू कांट डू एनीथिंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की। अब जैसे मैं कनाडा के अंदर जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको देख रहा था। फॉर एग्जांपल, जैसे कनाडा की टॉप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, टोरंटो की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे एक यूजी कोर्स 45 to 50K कैड के अंदर आपका हो जाता है। एंड वही अगर आप मास्टर्स की बात करते हैं तो वो भी 40 to 50K कैड के अंदर हो जाता है, मतलब 40,000 CAD to 45,000 CAD। बट यही ये मैं कनाडा की आपको टॉप यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। एंड अगर हम यूएस की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, जिस यूनिवर्सिटी में मैं आया हूँ मास्टर्स करने के लिए, उस यूनिवर्सिटी का नाम है नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी। अगर मैं उसमें एक यूजी कोर्स की बात करूँ विच कैन गोज अप टू 100K, मतलब 1 lakh USD को वो बहुत ईजिली पार कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड मैं ये अंडरग्रेड की बात कर रहा हूँ। अगर आप और मतलब नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बट अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, जैसे MIT की बात करेंगे, हार्वर्ड की बात करेंगे, तो ओ माय गॉड, आई कैन टेल यू कि उनकी ट्यूशन फ़ी और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा जा सकती है। आप बहुत सारे स्कॉलरशिप भी ले सकते हो वो, बट बात की बात है, उस टॉपिक को हम किसी और वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया, अंडरग्रेड इज़ मोर देन 1 lakh USD एंड इन कनाडा इट्स 45K, जो मैंने आपको एक कॉस्ट बताया टोटल ट्यूशन फीस है। एंड डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी ये सब अलग अलग हो सकती हैं। टॉपिक के बाद विच वाज आर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, सेकंड टॉपिक होने वाला है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वो मेरे को लगता है कनाडा से बेटर यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये मैं आपको फैक्ट्स पे बात करना चाहता हूँ, मतलब ये कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह मैं इसको आंसर नहीं करना चाहता। मैंने अभी कल या परसों ही, मतलब जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था कि हम क्या क्या टॉपिक कवर करना चाहिए, तो मैंने QS वर्ल्ड रैंकिंग देखी थी 2023 की, विच वॉज पब्लिश्ड इन जून। तो अकॉर्डिंग टू दैट QS वर्ल्ड रैंकिंग, जो कि 23 की थी, टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है, उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की 16 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। 16 यूनिवर्सिटी विच इज़ अ बिग नंबर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर आप टॉप 50 के अंदर 16 यूनिवर्सिटी आपकी यूनाइटेड स्टेट्स की हैं, तो इट इज़ अ बिग नंबर। एंड अगर हम वही कनाडा की बात करें तो सिर्फ कनाडा की टॉप जो 50 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, जो कि हैं सिर्फ 3। सबसे पहली आती है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, विच इज़ ऑन 21, एंड देन सेकेंड नंबर पे आती है मैगिल, विच इज़ QS वर्ल्ड रैंकिंग इज़ 30। एंड उसके बाद आती है आपकी UBC, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग है 34। तो आप इस चीज़ से एक बहुत अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कौन सी कंट्री के अंदर बेटर है। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बेटर है, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर डिपेंड भी करते हैं आपके एक डिसीजन को बनाने के लिए। बट अगर सिर्फ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करी जाए तो या इट्स बेटर इन यूनाइटेड स्टेट दैन कैनेडा। थर्ड टॉपिक जिसमें मैं बात करना चाहूँगा वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ईदर ऑफ द कंट्री, वेदर इट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स और कैनेडा, इट्स वेरी सब्जेक्टिव गाइज। मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि सबका अपना अपना प्रेफरेंस है, कौन किस प्रेफरेंस से चूज़ करना चाहे। बट मैं अपना
अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने व्हाई आई चोज्ड यूनाइटेड स्टेट्स ओवर कनाडा। देखो, एक तो सबसे पहले मेरा जो मेन मकसद था वो मेरा यही था कि अगर यार मेरे को स्टडी अब्रॉड जाना है तो आई वांट टू गेट द बेस्ट एजुकेशन अराउंड द ग्लोब। और इससे पहले ही मैंने वो टॉपिक कवर करा है आपके लिए कि वो क्यों बेटर है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। एंड एक बचपन से काइंड ऑफ ड्रीम होता है यार, मेरा था कि यार मेरे को यूनाइटेड स्टेट्स जाना है, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है। एंड तो एक सेकंड रीज़न मेरे लिए ये बना कि अमेरिका में मेरे को आना था, अमेरिका ही आना था, तो इसलिए मैंने कनाडा के ऊपर वो चूज़ करा। बाकी अगर हम एक छोटे नॉर्मल कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात कर लें या क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर लें, अगर आपको मतलब जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर आपकी ग्रोसरीज आ गई या फिर आपके अपार्टमेंट हंटिंग आ गया या फिर अब जैसे यूएस है बहुत बड़ा, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी मैं बॉस्टन में हूँ, ईस्ट कोस्ट पे हूँ, तो यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर जाता है, ठीक है। दिसंबर टू जनवरी फरवरी बिल्कुल एक्सट्रीम वेदर होता है, -5 -10 में जाता है। सेम कनाडा में भी होता है, बट कनाडा के अंदर और ज़्यादा टाइम, लंबे टाइम के लिए होता है। और अगर आप साउथ साइड में चले जाएंगे यूएस के, तो वहाँ पे ज़्यादातर गर्मी रहती है, आपको वहाँ पे सर्दी देखने को ही नहीं मिलेगी। सेम वेस्ट कोस्ट में भी ऐसे ही है, वहाँ पे भी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं। और अगर आप मिड पे रहेंगे तो आपको सर्दी गर्मी दोनों मिल जाएंगे। तो पहला रीज़न इज़ ज्योग्राफी एंड उसका वेदर, ठीक है। ये कॉस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ऐसी मिलेगी, आपको डाइवर्स वेदर देखने को मिलेंगे। कनाडा के अंदर आपको ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा वेदर के अंदर। बाकी अगर मैं ग्रोसरीज़ की बात करूँ या अपार्टमेंट हंटिंग की बात करूँ, तो इट इज़ एक्सपेंसिव इन कनाडा एज़ कम्पेयर टू यूएस। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं जिस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, मैं वहाँ पे शेयर्ड रूम में रेंट दे रहा हूँ $620। एंड वही अगर ये चीज़ कनाडा में होती तो इट विल बी अराउंड 700 to 800, ठीक है। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इट डिपेंड्स कि आपको कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। एक बात ज़रूर है, अगर आप कनाडा जाते हो तो आपको वहाँ पे इंडियन टच काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा मेन सिटीज़ के अंदर। बट अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स आते हो तो यहाँ पे जो मेन सिटीज़ हैं वहीं पर ही आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, जैसे इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, या फिर वो काइंड ऑफ कह सकते हो देसी टच आपको वो चीज़ मिल जाएंगी। या पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत फीजिबल है मेन सिटीज़ के अंदर, मैं और एरियाज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे यूनिवर्सिटी, आप अलबामा चले जाओ, नॉर्थ कैरोलिना चले जाओ, साउथ कैरोलिना चले जाओ, वहाँ पे इतना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। बट इन मैसाचुसेट्स जहाँ पे मैं हूँ बॉस्टन के अंदर, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फुल फ्लेज चलता है, चाहे बर्फ़ गिर रही हो, आंधी तूफ़ान, बस ट्रेन सब अवेलेबल है। तो या क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसे मैं थोड़ा सा कंपेयर करना चाहता था। एंड कनाडा के अंदर ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बेहतर मिल जाएंगी। इंडियन टच की बात कर रहा हूँ कि आपको वहाँ पे लोग भी इंडियन ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। एंड सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सबसे इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक की बात कर लेते हैं, विच इज़ अबाउट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और लॉन्ग टर्म स्टे इन यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा। तो यार देखो, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, तो ये सारी चीज़ें कोस्ट टू कोस्ट भी डिपेंड करती हैं एंड आपके कैलिपर पे भी डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम है, बट कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हाँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इज़ मच हायर देन इन यूनाइटेड स्टेट्स एज़ कम्पेयर टू कनाडा। उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, अगर आप कनाडा की GDP और पॉपुलेशन देखोगे वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ पर द फैक्ट्स, ठीक है। और वही आप अगर US की देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, GDP भी ज़्यादा है। एंड बाकी अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, मतलब जैसे कनाडा के अंदर जो सैलरीज हैं दे आर नॉट दैट मच एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स, बट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो सैलरीज हैं, जो सैलरीज ब्रैकेट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। एंड सेम अगर ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करते हो तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ सबसे बड़ा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, जो मैंने फर्स्ट टॉपिक कवर करा था, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी US के अंदर ज़्यादा है बट कनाडा के अंदर कम है। सैलरी यहाँ पे कनाडा में कम है बट US के अंदर ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। तो अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म स्टे की। देखो, कनाडा एक बहुत इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है बट यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है। दे
द रूल्स द वीज़ाज रूल्स वर्क परमिट रूल इन यूनाइटेड स्टेट्स आर मच मच रिग्रस एंड बहुत टफ है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट पर्सनल चॉइस, मेरी पर्सनल चॉइस ये थी। बट अगर आप कनाडा की बात करेंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फ्लेक्सिबल है, वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ फ्लेक्सिबल है, पीआर परमानेंट रेजिडेंस बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज़ पर द स्टैट्स। अब जैसे मैं आपको एक ग्रीन कार्ड या फिर पीआर की बात कर लूँ, जैसे जो परमानेंट रेजिडेंस यूनाइटेड स्टेट्स में मिलता है उसको बोलते हैं ग्रीन कार्ड, और जो कनाडा में मिलता है वो सिर्फ पीआर कार्ड होता है, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड मिलता है। तो अगर हम एक ग्रीन कार्ड की बात करें उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्रिल करना पड़ेगा अपने आप को, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, बट कनाडा के अंदर ऐसा नहीं है। अगर ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो कनाडा के अंदर आपको मैक्सिमम 4 से 5 साल के अंदर पीआर मिल जाती है अगर आप एक अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। बट यहीं अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो भाई आप आराम से 15 साल तो कहीं नहीं गए आपको ग्रीन कार्ड मिलने, मतलब 15 से 20 साल का समय इज़ द मिनिमम आई एम टेलिंग यू, इट माइट बी हायर बट 15 से 20 साल तो मिनिमम लगते हैं आपको ग्रीन कार्ड लेने के लिए। एंड उसके उससे पहले भी जो प्रोसेस है पूरा का पूरा वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इन यूनाइटेड स्टेट्स, बट कनाडा के अंदर वो बहुत ईजी है। सिंपली आपको एक बार परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है आप, या फिर आपको वर्क परमिट मिल जाता है। सिंपल कनाडा के अंदर वर्क परमिट मिल गया तो आप कहीं पर भी काम कर सकते हो, एंड ये बहुत बड़ा फैक्टर है, कहीं पे भी प्ले, अगर ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि प्ले करता है किसी भी एम्प्लॉयमेंट या जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। कनाडा में ऐसा नहीं है कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी तो आपको कंप्यूटर साइंस में ही जॉब करनी पड़ेगी, यू कैन वर्क एज अ डिलीवरी बॉय, यू कैन वर्क विद ऊबर ईट्स, यू कैन वर्क एज अ ऊबर ड्राइवर। तो कनाडा के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं एज आफ्टर गेटिंग अ वर्क परमिट, बट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो लिमिटेड हो जाते हैं। और वो आप जिस कोर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं आपको उसी कोर्स के अंदर अपनी जॉब ढूंढनी पड़ेगी, एंड उससे पहले भी बहुत सारे यहाँ पे ड्रामे होते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जो बच्चे स्टेम कोर्स करने आते हैं, जैसे मैं स्टेम कोर्स करने आया हूँ साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसके अंदर क्या होता है 2 साल का मास्टर्स होता है, फिर 3 साल का, 1 साल का OPT होता है, ऑप्शनल प्रोग्राम ट्रेनिंग, ठीक है। जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है 2 साल के बाद तो आपको 3 महीने मिलते हैं अपनी OPT ढूंढने के लिए। अगर आपको 3 महीने के अंदर अंदर OPT मिल गई तो इट्स गुड, देन या तो आप अपनी होम कंट्री वापस जाओ या किसी और कंट्री मूव इन करो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है। 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी जॉब ढूंढनी पड़ती है। जब आपको OPT मिल जाती है वो 1 साल की मिलती है, फिर उसके बाद उसको 2 साल का एक्सटेंशन मिलता है, तो टोटल आपके 5 साल का जो F1 वीज़ा लगता है वो 5 साल के लिए इसलिए ही मिलता है कि OPT 1 साल, 1 साल, फिर वो एक्सटेंड होकर 2 साल हो जाती है। अब इन 3 सालों में आपकी कंपनी, आपका एम्प्लॉयर आपके लिए H1B फाइल करता है, फर्स्ट ईयर करेगा, सेकेंड ईयर करेगा, थर्ड ईयर करेगा। वो कब करता है? फर्स्ट ईयर करता है, अगर उसमें लॉटरी के अंदर नहीं नंबर आता है तो सेकेंड टाइम करेगा, सेकेंड टाइम करेगा तब भी नहीं आता तो थर्ड टाइम करेगा, थर्ड इज़ द फाइनल एंड लास्ट कॉल। अब H1B के लिए यहाँ पर होता है लॉटरी प्रोसेस, जिसके लिए एप्लीकेशन आई गेस हर साल बढ़ती जा रही हैं, मतलब अगर आप लेके चलो तो 6-7 लाख एप्लीकेशन कहीं नहीं गई, जिसमें से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 60 to 65 thousand लोगों को H1B मिलता है जो कि लॉटरी बेस्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना कॉम्प्लिकेट होगा, बट ये है कि अगर एक बार आपका H1B लग गया तो ना आप अपने एम्प्लॉय को बोलते हैं कि भाई मेरा ग्रीन कार्ड फाइल करो, आपको 1I-140 फॉर्म मिलता है, जिसके बाद आप इन अ वे कि आप एक ग्रीन कार्ड की क्यू के अंदर लग जाते हो। अब आपका जो H1B है वो हर 3 साल बाद रिन्यू होता रहेगा, एंड जब तक आपके वो आपका पीरियड आएगा क्यू के अंदर जो आप लगे हुए हो, आपका टाइम आएगा, आपका ग्रीन कार्ड फाइल हो जाएगा एंड यू विल गेट द परमानेंट रेजिडेंस। बट कनाडा के अंदर ये प्रोसेस बहुत फास्ट है एंड बहुत ईजी है। जैसे कनाडा के अंदर आपको एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा भी मिल सकता है, अगर आप किसी होम कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं पे भी हैं आप डायरेक्ट वहाँ से अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर कैलिबर, योर करिकुलम, योर कोर्स, और देर आर सो मैनी थिंग
जिसमें कनाडा एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा देता है आपके बेस ऑन द बेसिस ऑफ योर पॉइंट्स यू आर गेटिंग। उसके अंदर आइल्स का भी स्कोर होता है, आपके एजुकेशन का, आपके वर्क एक्स का, बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, फाइल बनती है। एंड उसके बाद अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, आप कनाडा जाते हो, फिर अपनी जॉब ढूंढते हो और अपना वहाँ पे आराम से जॉब करके 3-4 साल अपना पीआर ले सकते हो। बट यूएस के अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ईजीएस्ट वे टू एंटर इन यूनाइटेड स्टेट इज़ ओनली स्टडी या फिर टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी आपको पता है कितनी ज़्यादा लंबी वेटिंग है। एंड अगर सेम वन मोर फैक्टर इज़ कि अगर आपको अपने पेरेंट्स को बुलाना है तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बुलाना इतना आसान नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा ये लोग इतनी जल्दी नहीं दे सकते हैं, बट कनाडा के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था इमिग्रेंट फ्रेंडली है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस, ये मैंने 4-5 सब टॉपिक कवर करा है। आई होप ये आपको अपना फाइनल डिसीजन बनाने के अंदर हेल्प करेंगे। बाकी कनाडा के कुछ पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये हैं, इमिग्रेंट फ्रेंडली है, इजी पीआर मिल जाता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कम है, बट उसके साथ एक्सपेंसिव हाउसिंग आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर हम यही यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो हाई पेइंग जॉब्स हैं बट परमानेंट रेजिडेंसी बहुत लेट मिलता है, वीज़ाज इशू हैं। एंड यस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आप अपना डिसीजन बहुत अच्छे से बनाना, और जैसा भी होगा प्लीज़ कमेंट डाउन योर थॉट्स। एंड वन मोर फाइनल थिंग आई लेफ्ट कि लोन रीपेमेंट्स, जैसे मैं भी एक एजुकेशन लोन लेके आया हूँ तो ऑब्वियसली वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बहुत जल्दी हो जाता है लोन रीपेमेंट, क्योंकि बिकॉज ऑफ हायर सैलरीज, ठीक है जी। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइज, एंड आप प्लीज़ अपने थॉट्स ज़रूर कमेंट डाउन कीजिए। आप कौन सी कंट्री आना चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं, बाकी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आर इन डिस्क्रिप्शन, डू रीच मी आउट देयर। मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकती है मैं करूँगा, वेदर इट इज़ अबाउट एप्लीकेशन या आपको कोई और भी डाउट हो तो। ओके गाइस, बाय बाय।